सभी मेरे भाई बंधुओं, जाने मन एंड बचपन का प्यार को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में आए हुए एक फिर से ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट तो जॉब निकालने रही है, अब निकाल दी है ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आज इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा सा सुना देते हैं आपको। अब कुछ अंधभक्त हैं तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपका जो हर्ट है वो और हर्ट होगा सुनने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड में स्टाइपेंड प्रोग्राम निकाला गया है, जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। क्या करें दोस्तों, जॉब्स तो है नहीं, आप यही कर लीजिए अगर खाली बैठे हुए हैं घर पे, अच्छा मौका है, नहीं तो आप इसी तरह और अच्छे बन जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों HR पोस्ट के लिए BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम ग्रेजुएट विथ मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक AOCP ट्रेनी पोस्ट निकला हुआ है। अकाउंटेंट एक्सिक्यूटिव के लिए दोस्तों यहाँ पे 12वीं पास और BCOM के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों, यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इन द ब्रांच ऑफ केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अगर आप खाली बैठे हुए हैं, कहीं पे भी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जो है इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं अगर आप देखोगे तो 10, 60, 10, 5 इस प्रकार के जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए 5 सीट रखी है, इलेक्ट्रिकल के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए भी 5 सीट यहाँ पे रखी गई है। जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग है उसके लिए 4 सीट यहाँ पे रखी है। टोटल जो है वैकेंसीज है दोस्तों यहाँ पे 104 रखी गई है। जो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट हैं, बीटेक वाले कैंडिडेट हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल है, जो ऊपर वाली पोस्ट है जैसे मैंने बताया यहाँ पे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है आपके मार्क्स के बेसिस पे जो है सिलेक्शन लिया जाएगा, और जितने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उतना आपको यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। बाकी दोस्तों, मुझे नहीं लगता आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं। अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ हूँ, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे जाएंगे तो लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखेंगे दोस्तों RCFL का जो है वेबसाइट खुल के आएगा। तो वेबसाइट खुलने के बाद तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार का जो है प्लेटफॉर्म खुल के आएगा, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। जब आप इसको फर्दर नीचे करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की बढ़िया सी फ़ोटो लगी हुई है हंसते हुए, जहाँ भी आपको दुखी महसूस होगा वहाँ पर ये हंसते रहेंगे। तो इनकी फ़ोटो लगी हुई है, इसी प्रकार इनके चेयरमैन की देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको फर्दर नीचे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हैं इनके RCFL के, वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ कोविड प्रोटोकॉल आपको बताए गए हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप थर्ड वेव का इंतजार नहीं कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट की। तो ये दोस्तों ये जो फॉर्म है इसका जो डेट है उसके बारे में बात किया जाए तो ये फॉर्म पहली बार तो फ्री का है। देन दोस्तों यहाँ पे जो है आपका 31 तारीख यानी कि 31 जुलाई को जो है ये फॉर्म स्टार्ट होगा। आज जो है 30 तारीख है यानी कि कल से जो है स्टार्ट होगा और 7 अगस्त 2021 तक ये रहेगा। तो ये एक तरह से पहले मैं बता दिया कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप इच्छुक हैं, घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रही है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हालाँकि ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ कर लीजिए। देन दोस्तों बाकी आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद आया। मुझे मालूम है आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमारा काम है आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना, तो हम ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।